दोस्तों स्वागत है आपका। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग मोबाइल से पानी को कैसे डिटेक्ट करें। ये वाला एक ऐप है वाटर डिटेक्टर, जो कि मोबाइल से हम लोग जो पानी को कैसे सर्च कर सकते हैं हमारे खेत में, उससे रिलेटेड ये मोबाइल के ऐप हैं। तो फिर देखते हैं कि ये ऐप के मदद से हम लोग कैसे हमारे खेत या फिर अपने घर के लिए, हम लोग बोरवेल के लिए जो पानी के स्रोत को हम लोग कैसे पहचान करें। तो मैंने इसको चालू कर दिया है, ये अभी थोड़ी सी इसका स्कैनिंग वगैरह हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी हमारे खेत में हूँ और मैं यहाँ पर आपको इसमें फाइंड करके दिखाऊंगा कि क्या ये वाकई पानी को फाइंड करता है या फिर कोई ऐसे फेक ऐप है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ चालू हो चुका है और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो लगभग 45-46 के आसपास दिखा रहा है। आगे हम लोग जाके देखते हैं, वहाँ पर एक हमारा पॉइंट है बोर का, तो मैं बोर के पॉइंट के पास लेके जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या ये वाकई काम करता है कि नहीं करता है। फिर चलिए चलते हैं बोर पॉइंट की तरफ। ये जो ये पॉइंट है हमारा बोर का, मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। बोर पॉइंट के पास जाते ही थोड़ी सी हलचल हो गई है इसमें, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे 50-51, 50-51, 52-53, 55। ओके, ये जैसे कि मैं आज आ गया हूँ बोर पॉइंट के जस्ट ये नीचे बोर पॉइंट है हमारा, जो पहले से खोद के रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और इसको जैसे ही थोड़ा इसके नीचे ले के जा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ते जा रहा है, 90-100 आसपास आ गया, 100, 200, 300, 400, 500, 700। मतलब यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि वो लगभग 800 के आसपास आ चुका है। ये तो हो गई यहाँ वाली बात, यहाँ पर तो फिलहाल ये दिखा रहा है कि यहाँ पर पानी है और वाटर क्वालिटी लगभग 103-104% और वाटर डेप्थ बता रहा है, वहाँ पर वाटर का जो वैल्यू में स्क्वायर मीटर पे बता रहा है वो। ये तो हो गई ये बोर के पास। एक पॉइंट और है जिसको मैंने पहले से दिखा के रखा है, वो जो नारियल से देखते हैं ना, उनसे मैं दिखाया था, इसको भी उन्हीं से ही दिखा के इसको खुदवाया था। तो अब वो पॉइंट के पास चलते हैं जो मैंने पहले से अलग से दिखा के रखा है, वहाँ पर पानी का क्या पोजिशन दिखाता है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर पे मैंने पानी का पॉइंट दिखाया था, मैंने पत्थर को निशान के रूप पे रखा था। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या वाकई यहाँ पे पानी है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिखा रहा है 38-40 के लगभग आसपास दिखा रहा है, मतलब इसके कहने का मतलब यहाँ पर पानी नहीं है। तो ये तो हो गया भाई इसकी चेक के बाद, अब हम लोग इसका कुछ अलग टेस्ट करके देखते हैं। चलिए, मेरा एक और पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं। तो वो वाले पॉइंट पे जाते हैं, रास्ते में भी देखते जाता हूँ कि कहीं पानी दिख तो ना जाए। आप देख रहे हैं हर तरफ 40-45 नॉर्मली दिखा रहा है हर जगह। अब मैं यहाँ एक जो और पॉइंट है, मैं अपने पॉइंट के पास जा रहा हूँ, पॉइंट के पास देखते हैं कि ये क्या दिखाता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पॉइंट के पास आते ही इसमें हलचल शुरू हो चुके हैं, लगभग 50-50 आसपास। ये जो मेरे देख रहे हैं बोर पॉइंट है, तो मैं ये पॉइंट के पास आ चुका हूँ। पॉइंट के पास आते ही इसमें जो हलचल है कुछ हद तक बढ़ी है, आप देख रहे हैं 62-80 आसपास भी चला जा रहा है, 120, 175, 80। आप देख रहे हैं 132, 100। ओके, यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं दिखा रहा है, जैसे कि मैं नीचे साइड भी लेके जाता हूँ। जबकि मैं आपको बता दूँ, ये वाले पॉइंट में, ये वाला जो मेरा बोर का पॉइंट है, 110 फीट में है। 110 फीट में अभी गर्मी में धान भी होता है, बरसात में भी चलता है। आपने देखा यहाँ पर पानी 110 फीट में है, तो यहाँ पर जो इसका लेवल है बहुत कम दिखा रहा है, मुश्किल से 100 तक जा रहा है। और पिछले वाले पॉइंट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पर लगभग 250 फीट में पानी है, तो वहाँ पर लगभग 1000 तक पहुँच जा रहा था इसका पॉइंट को। तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या ये वाकई सही या नहीं है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग और कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि सिंगल चीज़ एक ये सोचने की होती है कि मोबाइल को मैंने चेक करके देखा कि एंड्रॉयड में, अभी एंड्रॉयड मोबाइल में इतना कैपेबल नहीं है कि वो मोबाइल से पानी देखा जा सके। हाँ, इसको ना पानी देखने के लिए अलग से एक डिवाइस आता है जिसको मोबाइल से हम लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो खम्भा है, खम्भा का स्टे वायर यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको स्टे वायर के पास लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी देख रहे हैं इसमें हलचल शुरू हो चुका है, स्टे वायर के नज़दीक लेके देखा, 300, 400 लगभग
लगभग 500 आसपास ये दिखा रहा है, 450 आसपास ये दिखाता है, मतलब स्टे वायर के पास ये दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है ये जो मेटल को डिटेक्ट कर रहा है, जहाँ पर लोहा होती है वहाँ पे दिखाता है। हालांकि सोचने के बाद ये कि अभी वाले पॉइंट में भी लोहा था तो वहाँ भी उसको दिखाना था। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो है 100% तो सही नहीं बोला जा सकता। अगर आप इसका उपयोग करके बोरवेल खोदवाना चाहते हैं तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। आप जो भी उपाय करते हैं बोरवेल को देखने के लिए, तो वो वाला उपाय करके पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हैं। और इसी ऐप पे 100% भरोसा करना मेरे को नहीं लगता कि वो सही हो सकता है। मैंने पूरे के पूरे खेत में घूम के देखा, सारे के सारे खेत में ये लगभग 40-45 दिखा रहा है। वो वाले पॉइंट के पास लेके जा रहा हूँ, 2-3 पॉइंट को मैंने टेस्ट करके देखा था घर में। तो मैं जब भी कोई पॉइंट के पास लेके जाता हूँ तो वहाँ पर ये दिखा देता है, और जो पॉइंट पहले से सेलेक्ट रहता है वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो फिलहाल मेरे विचार से तो इसमें 100% आप विश्वास ना करें। जो भी आप तरीका अपनाते हैं बोरवेल देखने का उसको अपना लें, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं जब ये ऐप की रेटिंग को पढ़ा तो इसमें लगभग 3.6 रेटिंग है और लोगों का इतना कोई अच्छा कमेंट नहीं है। और ये ऐप वाकई सही होता तो लोगों का जो जो रेटिंग है कम से कम 4.5-4 तक तो होना चाहिए था। और लोगों का मैंने जो कमेंट पढ़ा अभी, मेरे को इतना पॉजिटिव नहीं लगा, बहुत लोगों ने इसको फेक है साबित किया। तो आप भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सहायता से आप अपने बोरवेल जो आपके खेत या घर में आप पानी ढूंढ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी उपाय करके देखिए, उसके बाद इसको आप दूसरे नंबर पर रख के आप इसमें ट्राई कर सकते हैं।